सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में ईडी की छापेमारी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के आवास पर भी ईडी ने 36 घंटे तक छापेमारी की और ईडी की ये छापेमारी देर रात खत्म हो गई। इस छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ हाथ तो लगा नहीं, लेकिन उनके आवास से कुछ कागजात की फोटोकॉपी करवाकर अधिकारी ले गए। इस छापेमारी के बाद विधायक सुरेंद्र पवार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि छापेमारी क्यों की गई ये मैंने अधिकारियों से नहीं पूछा, केवल कुछ कागजात यहां से लेकर गए हैं। ईडी की छापेमारी के बाद सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने बताया कि 4 जनवरी से देर रात तक ईडी के अधिकारियों ने मेरे आवास और कार्यालय पर मौजूद थे। मैंने उनसे नहीं पूछा क्यों ये छापेमारी की गई है, मैंने जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जो सवाल मेरे से पूछे मैंने उनके जवाब दिए। जांच में पूरा सहयोग आगे भी किया जाएगा। मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आखिरकार वो यहां क्यों आए हैं। ये ईडी की जो टीमें थी वो मेरे आवास पे भी और कार्यालय पे भी पहुंची। ये 4 तारीख को सवेरे 8 बजे करीब पहुंचे थे और उन्होंने जो भी जांच में जो डॉक्यूमेंट मांगे या जो भी सवाल थे उनके, हमने सभी सवालों का जवाब दिया और जो जो दस्तावेज मांगे हमने वो सारे दस्तावेज वो दिए। सर, ईडी के अधिकारियों ने आपसे बातचीत की हो, किस बाबत की रेड है वो की गई थी, क्या कोई FIR है ईडी ने है वो दर्ज की है आपके खिलाफ या फिर जो दिलबाग सिंह है उनके खिलाफ? देखिए, उस बारे में ना तो मैंने उनसे पूछा और ना ही उन्होंने इस बारे में, उन्होंने जो जो दस्तावेज मुझसे मांगते रहे वो दस्तावेज मैंने उपलब्ध करा दिए। सर, कोई आपसे पूछा नहीं क्या, आपने उनसे पूछा नहीं क्या किस बाबत ये रेड की गई है कुछ? देखो, जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी अगर जांच के लिए आई है तो उसमें मेरा एक विधायक होने के नाते भी और वैसे भी ये एक जो जिम्मेवारी बनती है कि जांच में सहयोग करें और मैंने जांच में सहयोग किया और आगे भी अगर कोई और भी कोई दस्तावेज मांगे तो दस्तावेज। उन्होंने पवार जी कुछ कहा नहीं कि अवैध खनन है, रवाना घोटाला है, तो लेकर FIR हमने की है? नहीं, उस बारे में मैंने ना ही कोई उनसे सवाल किया, मैंने सिर्फ यही था कि जो जो उनके सवाल थे उनका जवाब दिया और दस्तावेज उपलब्ध कराए। सर, कोई आपके यहाँ से कुछ लेकर गए हो या फिर कोई आपके जरूरी कागजात हैं वो यहाँ से लेकर गए हो? नहीं, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे तो उनकी फोटोकॉपी वो लेके गए वो हमने दे दी थी।